सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो धीरज पब्लिक कॉमेडी। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, बिग बॉस 17 के घर से विक्की जैन का एविक्शन कर दिया गया है। तो क्या है इसके पीछे की वजह? क्या सच में उन्हें कम वोट्स मिले थे या फिर अरुण बाहर जाने वाले थे? तो क्या है इसका रीजन, बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो चलिए बताता हूँ कि देखो, जिस तरीके से वहां चीजें हो रही थी और घर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो हमने 2 हफ्ते का खेल देखा, तो भाई उससे एक बात तो पता लग गई कि ये भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था। मतलब कहीं की ऐसा लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिग बॉस ने अनाउंस किया कि भाई डंके की चोट में हम तो बायस थे ही, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि भाई ये भी बायस है। वो भी किसके लिए? अंकिता लोखंडे के लिए। बिग बॉस तो खुश है, शायद ही किसी और के लिए वहां पे होता। और जैसे ही बिग बॉस बोलते थे, वैसे ही मनारा को बीच में टोक देते थे, क्योंकि बिग बॉस जो चाहते थे वही बिग बॉस को चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्योंकि अंकिता लोखंडे का वैसे भी आजकल इतना गेम खास नहीं रहा है जो एक व्यक्ति को जीतने के लिए चाहिए, लेकिन उन्होंने वैसे भी अपने हस्बैंड के साथ गेम खेली। पर जब ये शो के अंदर आई तो इनकी ये चीज थी कि मैं घर के अंदर तो आ जाऊंगी, क्योंकि इन्हें और सीजन में भी अप्रोच किया गया था, क्योंकि काफी सीजन थे तब भी इन्हें बुलाया गया था। इन्होंने कहा मैं सीजन में तो आ जाऊंगी, पर आपको मेरे हस्बैंड को भी साथ में लेना होगा और मुझे अपने पति के साथ रहना है और एंड तक रहना है। और बिग बॉस ने इनकी सारी ख्वाहिश वहाँ पे पूरी कर दी। और इनकी ख्वाहिश की तरीके से जो एंड में हफ्ता आया, जो एंड का हफ्ता है, उसमें विक्की जैन को एविक्ट कर दिया। अब भाई, अब अंकिता लोखंडे घर में कैसे रहेगी? क्योंकि अब फिनाले तक उधर बस सिर्फ जर्नी वीडियो दिखाई जाएगी और कुछ लोग, मतलब अलग अलग लोग वहाँ पे डांस प्रैक्टिस करने के लिए आएंगे घर के अंदर। मतलब बहुत सारी चीजें होगी फिनाले के लिए, मतलब ग्रैंड फिनाले के लिए। तो भैया, अभी उस तरीके का घर नहीं रहेगा जैसे पहले दिन से अब तक है। तो भैया, जब तक साथ चाहिए था तब तक बिग बॉस ने उन्हें रखा, तो अब 3-4 दिन की तो बात है, वो भी वो निकाल लेंगे। तो बात रही विक्की जैन का एविक्शन उन्होंने कैसे किया। जैसे कि मैंने आपको फाइनल वोटिंग ट्रेंड में बताया था कि भाई अरुण को पूरा हैदराबाद सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उन्हें बहुत लोग भी चाहते हैं, क्योंकि वो एक यूट्यूबर भी है, तो काफी इनको वोट्स मिल रहे थे। तो भैया, अरुण से आगे विक्की कैसे निकल सकते थे? नाम मुमकिन ही था, तो इसलिए अरुण को ज्यादा वोट्स मिल रहे थे और विक्की को कम वोट्स मिल रहे थे, जैसे कि मैंने आपको फाइनल वोटिंग ट्रेंड में बताया था। देखो, जाना तो विक्की को ही था, पर आप ये भी कहोगे कि पिछली बार ईशा मालविया एविक्ट कैसे हो गई और विक्की उधर के उधर कैसे रह गया? तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे कम वोट्स विक्की को ही थे और ईशा दूसरे नंबर पे चल रही थी, पर बिग बॉस ने विक्की को बचा लिया और ईशा को निकाल दिया। तो इसकी वजह ये थी कि अगर ये विक्की को निकालते तो भैया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अंकिता के फेवर में करनी थी, जहाँ पे विक्की को विलन दिखाना था, तो ये सारी चीजें नहीं होती। तो इस करके बिग बॉस ने ये सारी चीजों के लिए विक्की को घर में रखा। जी हाँ, तो अब आता है वो मांजरा जहाँ पर विक्की जैन को बिग बॉस में से सच में एविक्ट कर दिया गया है। तो भाई, रीजन क्या है? तो रीजन तो साफ साफ है। देखो, जो अगर विक्की जैन बाहर जाएगा तो विक्की जैन और अंकिता की पूरी टीम अच्छे से हैंडल करेगी, पीआर टीम पूरे अच्छे से हैंडल करेगी, क्योंकि भाई दिमाग वाला बंदा है। साथ ही साथ जो भी सारी चीजें हैं, जैसे कि मतलब अंकिता को जो भी जीतने के लिए चाहिए, वो विक्की जैन बाहर जाके कर सकते हैं, और जो विक्की के फैंस हैं वो भी अंकिता को वोट कर सकते हैं। तो अंकिता लोखंडे प्रबल दावेदार के साथ सामने आएगी, ये है पहली चीज। और अब दूसरी चीज, तो अगर मान लो कि जो अरुण अगर एविक्ट हो जाते हैं घर से, तो अरुण के घर से बेघर होने के बाद जो पूरा हैदराबाद है अरुण का, वो भैया आधा तो मतलब मुनावर को जानते हैं, मतलब मुनावर के फॉलोअर्स हैं, मतलब मुनावर को वो सपोर्ट करते हैं। तो भैया, जो भी और है कि मतलब जो मुनावर और स्प्लिट हो रही है वोट्स मुनावर और अरुण के बीच, तो भैया ये बिग बॉस स्प्लिट ही रखना चाहते हैं, ताकि एंड में मुनावर को वो चांस ना मिले। मतलब होता है ना कि उस स्टेट से इनको वोट्स ना मिले, मतलब वोट्स सेपरेट सेपरेट ही रहे, स्प्लिट ही वगैरह रहे, एक अरुण के पास जाए और आधी मुनावर के पास। क्योंकि जो अरुण बाहर हो जाता तो भाई आधा हैदराबाद तो मुनावर को सपोर्ट करता, पर अरुण घर से बेघर नहीं हुए, कभी तो स्प्लिट स्प्लिट वोट चलती रहेगी। तो इसका फायदा किसको हो रहा है? साफ सीधा अंकिता लोखंडे को। मुनावर का नहीं, वैसे मुनावर का भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी एक फैन फॉलोइंग है, पर यही था कि उसकी जो ऑलरेडी जो वोट्स आ रही थी वो और तादाद में आती, वो बिग बॉस ने नहीं आने दी। और तीसरी चीज, अंकिता को पिछले 2 हफ्ते में वीकेंड के बार में अभिषेक और मुनावर पर कोई भी बातचीत नहीं हुई, पर अंकिता लोखंडे को वहां पॉजिटिव दिखाया गया। तो सारी गलती सारी ब्लेम इन्होंने विक्की पर डाल दिया और विक्की को कर दिया इन्होंने रफा दफा। तो सारी सिंपति किसको मिलेगी? अंकिता लोखंडे को। तो भाई, अगर अभिषेक से ज्यादा तवज्जो अंकिता को मिल रहा है, तो भाई ये साफ साफ बात है कि हमें टॉप 2 में मुनावर और अंकिता देखने को मिल सकते हैं। अभिषेक नहीं,
पर अगर अभिषेक के फैंस ने भाई ताबड़तोड़ वोट की और अच्छे से वोट की तो भैया मैं आपको ये भी बता सकता हूँ वो टॉप टू में भी रहेगा और ये सीजन वो जीत भी सकता है। लेकिन फिर भी जो मैंने एंड में थंबनेल में लिखा है ना, ये बनेंगे विनर, तो भैया आप एक बार जाके प्रोमो जरूर देखना। तो उस प्रोमो के अंदर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बिग बॉस ने एक बात कही है, हालांकि कि बिग बॉस ने ये बात कही है कि हम भैया इस सीजन तो बायस रहने वाले हैं, जो मेरे लिए अच्छा उसके लिए मैं अच्छा। तो भैया इस सीजन में हमने उसी तरीके से एडिक्शन भी देखे हैं, कुछ तो बायस थे, कुछ रियली बायस थे और कुछ रीजन फेयर भी थे। तो भाई जब एंड में आया तो बिग बॉस ने साफ साफ कह दिया कि भाई मैं तो इस बार डंके की चोट में बायस रहने वाला हूँ। और अगर आप प्रोमो वहां देखोगे तो भाई इन सबको वहां पे एक जगह पे खड़ा कर रखा है और एक सामने ट्री है और वहां पे नेम है, जो नेम होता है नेम के बक्से लगे हुए हैं, उन पर चिट लगी हुई है, अनसेफ और सेफ की चिट लगाई गई है वहां पे। तो वहां पर बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि भाई मैं पूरे सीजन में डंके की चोट में बायस्ड रहा हूं और जो ये 6 सदस्य है घर के अंदर, इन्होंने मेरे लिए शो के लिए बहुत कुछ किया है, तभी ये मतलब घर के अंदर खड़े हैं, यानी कि पब्लिक की वोट से नहीं। शायद कहीं ना कहीं बिग बॉस इसलिए ये बार बार ये चीजें बता रहे हैं कि भैया कि शायद फाइनल में भी आपको मतलब इस तरीके से ही बायस डिसीजन देखने को मिलेगा। और हो सकता है भैया कि इस सीजन का विनर अगर बिग बॉस चाहे तो भैया अंकिता लोखंडे को भी बना सकते हैं। तो ये अंकिता के फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की खबर हो सकती है, पर यहाँ कहीं ना कहीं मुनावर और अभिषेक के फैंस कहीं ना कहीं नाराज हो जाएंगे। और अरुण का तो वहां पे कोई जीतने का चांस ही नहीं है, और मनारा को भी जिता सकते हैं क्योंकि अगर बायस्ड रही बिग बॉस की टीम तो भैया मनारा के भी जीतने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि इस बार बिग बॉस डंके की चोट पे बायस्ड है। बाकी आपका क्या है कहना मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फाइनल में अगर आपको कोई उठपटांग विनर देखने को मिलेगा तो भैया शॉकिंग मत होना, यह कह देना धीरज पब्लिक कॉमेडी ने पहले ही बता दिया था, तो शॉकिंग होने वाली कोई बात नहीं है। तो यही थी खबरें जो भी मैंने आपको बताई, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।